हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल फोन। तो गाइज आज है हमारे पास पोको C55। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में गाइज जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे गाइज यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइज आपको तीन और ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, पिन, पेटेंट, पासवर्ड। आपको जो भी लगाना है लगा सकते हो। यहाँ पे हम 4 डिजिट पिन एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 4 सेकेंड्स वेट करना होगा, फिर गोइट पे चेक क्लिक करना है। यहाँ पे 4 डिजिट पिन एंटर कर लेना है, कंटिन्यू पे टैप करना है, ओके कर देना है। जैसे गाइज ये सारी प्रोसेस आप ख़त्म करते हो तो यहाँ पे आपको डेमो देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से आपकी फिंगरप्रिंट जो स्मार्टफोन के अंदर कनेक्ट करनी है, स्कैन करनी है। तो गाइस जैसे ही मैं मेरे फिंगरप्रिंट को टच करता हूँ तो इंस्टेंटली ये वर्क करता है और ये जो कनेक्ट हो चुकी है ऐड फिंगरप्रिंट। तो आप लेफ्ट एंड राइट दोनों हैंड की फिंगरप्रिंट जो स्कैन कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे फिलहाल ऐड फेस का भी दिख रहा है, बट फिलहाल फेस ऐड नहीं करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल हम इसका टेस्ट करें कितनी तेज़ी से लॉक अनलॉक हो पाता है। तो ये मेरे फिंगरप्रिंट को जैसे मैं टच करता हूँ तो फ़ोन जो वो वाइब्रेट होता है और अनलॉक होने में टाइम लगाता है। जैसे कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना फास्टली मुझे नहीं लगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट टच करने के कुछ सेकेंड्स बाद हमारा फ़ोन जो अनलॉक होता है। तो गाइस फिलहाल मैंने इस स्मार्टफोन के अंदर कोई भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है, जैसे कंपनी में से नया लाए थे। फिलहाल अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लैग थोड़ा सा लग रहा है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट इतना इंस्टेंटली वर्क नहीं कर रहा है, हो सकता है पूरा सेटअप करने के बाद इससे भी थोड़ा बहुत स्लो हो जाए, बट एनीवेज यहाँ पे आपको कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर गाइस जैसे आप अगेन सेटिंग्स में जाते हो तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है, फेस अनलॉक यहाँ पे आपको क्लिक करना है, 4 डिजिट पिन एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे भी आपको 4 सेकेंड्स जो वेट करने को बोल रहा है। फिर गाइस यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फाइनली मेरा फेस जो रजिस्टर हो चुका है। स्टे ऑन अनलॉकिंग इसको आपको डिसेबल कर देना है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मेरे फेस के सामने स्मार्टफोन आता है तो इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। फिंगरप्रिंट के मुकाबले मुझे इसका फेस अनलॉक ज़्यादा फास्ट लगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, ये है कैमरे के सामने, ये मेरे फेस के सामने। तो गाइस आप इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हो कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।